हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रजा खान और आप देख रहे हैं टेक बॉक्स। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओह सॉरी, चश्मा लगाए थे। हाँ दोस्तों, तो मैं आज बात करूंगा पांच ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों अंतुदु बेंच इस मार्क स्कोर पे, ये टॉप फाइव पे है। दोस्तों अंतुदु बेंच मार्क स्कोर उसे कहते हैं। दोस्तों ये प्ले स्टोर में एक ऐप है, इसे यूज करिए, मोबाइल में स्टोर करिए और उसके बाद इसे रन करिए तो आपको पता चलेगा कि आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें आप पबजी वगैरह खेल सकते हैं कि नहीं, तो इस तरह का है दोस्तों। तो टॉप फाइव जो मोबाइल है दोस्तों, वो फ्लैगशिप चिप पे आता है, जो स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर पे आता है और एक्सनॉस 9820 प्रोसेसर पे आता है। तो दोस्तों ये पांच जो फोन है दोस्तों, वो 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल मेमोरी के साथ चेक किया गया है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहले मोबाइल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो टॉप फाइव में से जो पांच नंबर पे वो कम है और एक नंबर पे जो ज्यादा है दोस्तों सबसे पावरफुल। तो पांच नंबर पे जो है दोस्तों, वो सैमसंग गैलेक्सी S10 है दोस्तों। ये मोबाइल जो है पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों। बैक में 3 रियर कैमरा आता है और फ्रंट में 1 कैमरा आता है दोस्तों। इसकी जो स्कोर है दोस्तों, वो 359217 है दोस्तों। अब इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो इसमें दोस्तों 16+12+12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा आता है, 10 MP का फ्रंट कैमरा आता है, 3400 mAh की बैटरी आती है, फास्ट चार्जिंग आता है, वायरलेस चार्जिंग आता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके प्राइस की तरफ। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, वो 61,000 से शुरू होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे मोबाइल जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S10 Plus है दोस्तों। ये डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों। 3 रियर कैमरा बैक में है दोस्तों इसमें। और इसका जो स्कोर है दोस्तों, वो 359,987 है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं इस पे स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें भी वही सेम एक्सोनॉस 9820 वाला प्रोसेसर लगा है दोस्तों। 16+12+12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 10+8 का डुअल सेल्फी कैमरा है दोस्तों। 4100 mAh की बैटरी है दोस्तों। ये भी वायरलेस चार्जिंग वगैरह सबके साथ आता है। इसकी प्राइस जो है वो 69,000 से स्टार्ट होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो फोन है दोस्तों, वो वीवो का बच्चा आइकू है दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि इसकी अंतुतु बेंचमार्क स्कोर 365,430 है दोस्तों। अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा आता है, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आता है दोस्तों, जो 12 MP का है सेल्फी कैमरा। और बैक में दोस्तों 12+13+2 MP का रियर कैमरा आता है, 4000 mAh की बैटरी आती है, वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग सारा कुछ आता है दोस्तों। और इसके प्राइस जो होती है वो 30,000 से शुरू होती है, 31,000 से शुरू होती है। चलिए दोस्तों हमारे लिस्ट पे जो दो नंबर पे फोन है दोस्तों, वो है Xiaomi Mi 9। इसकी जो अंतुतु बेंच स्कोर है दोस्तों, वो 371,887 है दोस्तों। ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि इसमें स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर लगा है, आईकू में भी 855 का प्रोसेसर लगा है दोस्तों। इसमें भी 3 रियल कैमरा आती है, वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आता है। जो डिस्प्ले है वो जो कैमरा सेल्फी कैमरा है वो 20 MP का है। बैक में दोस्तों 48+16+12 MP का कैमरा है, 48+16+12, या जी हाँ दोस्तों। 3400 mAh की बैटरी है, फास्ट चार्जिंग वगैरह सारा कुछ है, वाईफाई वगैरह सारा कुछ है दोस्तों इसमें। और इसकी प्राइस शुरू होती है 31,000 से। और दोस्तों हमारे नंबर लिस्ट में नंबर वन में जो है दोस्तों, वो Xiaomi Mi 9 ट्रांसपेरेंट एडिशन है दोस्तों। ये भी वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ आती है दोस्तों। ट्रिपल रियर कैमरा होता है दोस्तों, जो 48+16+12 MP का आता है दोस्तों। फ्रंट में 20 MP का सेल्फी कैमरा आता है, 3300 mAh की बैटरी आती है दोस्तों, फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग सारा कुछ आता है दोस्तों। इसकी प्राइस जो शुरू होती है वो 39,000 से शुरू होती है दोस्तों। अब दोस्तों नंबर वन में Xiaomi है और नंबर फाइव में सैमसंग है, नंबर सिक्स में क्या है नहीं पता। चलिए दोस्तों Huawei वगैरह है, बता दे रहा है। आईफोन का कहीं नामो निशान नहीं है और लाख रुपया ले लेते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि कल मेरे एक दोस्त ने पूछा, यार नोकिया का कोई फोन बता जिसमें पबजी खेले। तो ऐसा सर लोग सवाल करते हैं, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है जो हम लोग अच्छा वीडियो नहीं बनाते दोस्तों, ताकि दो लोग देखें इंटरेस्टिंग के साथ और जाने के क्या सही है क्या गलत है। चलिए दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलते हैं रात में टेक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।